हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज हब। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और उसके बाद तैयार रहिए, क्योंकि आपका एक टेस्ट होने वाला है ये जानने के लिए कि आप किसी भी प्रोग्राम को कितना अटेंटिवली सुनते या देखते हैं। सो गेट रेडी, लुक एट दिस मैन। ये है वास्को डी गामा। ये फेमस इस बात के लिए कि ये भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपियन है जो 20 मई सन 1498 यानी 20th of May 1498 को इंडिया पहुंचा था। कहां पहुंचा था? कालीकट। कालीकट कहां है? दैट इज इन केरला। वास्को डी गामा के बारे में ज्यादातर जो जानकारी है वो एक जनरल में मिलती है, जिसको रिटरियो बोलते हैं, और जो उसके साथ जाने वाले एक को ट्रेवलर ने लिखा था। नाउ लुक एट दिस मैन। ये वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इनमें और वास्को डी गामा में एक सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों के दोनों पोर्चुगल, या हिंदी में कहें तो पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। रोनाल्डो पहले रियल मैड्रिड के लिए फुटबॉल खेलते थे, जो कि स्पेन का क्लब है, और अब रोनाल्डो जुवेंटस एफसी के लिए खेलते हैं, जो कि इटली का एक फुटबॉल क्लब है। नाउ लुक एट दिस मैप ऑफ यूरोप। ये है स्पेन और ये है पोर्चुगल। सो पोर्चुगल और स्पेन यूरोप के वेस्टर्न मोस्ट कंट्री हैं और अटलांटिक ओशन को फेस करते हैं, और इनके इधर है मेडिटेरेनियन सी। तो स्पेन अफ्रीका को ऑलमोस्ट टच करता है, और ये जो आप ये मैप में देखिए बिल्कुल लगी हुई जगह है, ये जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट और द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट का मतलब होता है इट्स अ वेरी थिन नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू बिग वाटर बॉडीज। जैसे जिब्राल्टर स्ट्रेट के एक तरफ है मेडिटेरेनियन सी, या हिंदी में बोले तो भूमध्य सागर, और दूसरी तरफ है अटलांटिक ओशियन। तो वास्को डी गामा पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन से निकलता है और ये रास्ता अख्तियार करता है जो अफ्रीका के बिल्कुल लगे लगे बिल्कुल बॉर्डर के साथ में चलता है। कभी माना जाता था कि अफ्रीका को पार नहीं किया जा सकता, अफ्रीका का कोई अंत नहीं है, इसीलिए ज्यादातर जो ट्रैवलर्स थे वो इस एरिया में आने से बचते थे, बिकॉज दे न्यू कि ये जगह कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन समहाउ वास्को डी गामा जब कोस्ट के अलोंग चलता रहा तो एक रास्ते पर आकर अफ्रीका खत्म हो गया और वहां से एक यू टर्न शुरू हुआ। तो इस रास्ते को नाम दिया गया, इस जगह को नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। इसका मतलब है यहां से अफ्रीका खत्म है और यहां से हम यू टर्न लेते हैं किसी एशिया में किसी कंट्री तक पहुंचने के लिए एक बेहतर शुरुआत है, तो इसको कहा गया केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसलिए क्योंकि दुनिया में ज्यादातर एशिया या यूरोप अमेरिका में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ा है। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां पर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन और कंट्रीज का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, और उल्टा वहां पर हम देखते हैं कि ये चीजें लगातार और खराब हो रही हैं, इसीलिए अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो केप ऑफ गुड होप से वास्को डी गामा ने ये वाला रास्ता लिया, और ये देखिए ये रास्ते में मिला एक बहुत बड़ा आइलैंड जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर को पहले बोलते थे मालागासी। नाउ मेडागास्कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड नेशन है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर है इंडोनेशिया। यहां पर है इंडोनेशिया, जिसको मानते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है जिसमें 14,000 द्वीप हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्किपेलेगो। तो इस रास्ते से आगे चलते हुए ये पहुंचा वास्को डी गामा इस रास्ते पे। इसको बोलते हैं, देखिए ये सींग सा जो बना हुआ है इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि इसका जो जो लुक है वो आपको ऐसे मिलेगा जैसे किसी हॉर्न का होता है, सींग का होता है।
और ये दुनिया का सबसे गरीब एरिया है। इसके जो बेसिकली जो कंट्री इसमें आते हैं वो है सोमालिया, इथियोपिया और इरिट्रिया। अगर आप इनके नाम ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया के सबसे गरीब देश हैं। उसके बाद इस रास्ते से होते हुए वास्को डी गामा पहुंचता है इंडिया के स्टेट कालीकट, जो कि पार्ट है केरला का। ये जगह है केरला, ये उसका एक पॉलिटिकल फिजिकल मैप है। ये है केरला, और केरला के कोस्ट को कहा जाता है मालाबार कोस्ट। सो केरला कोस्ट पर या मालाबार कोस्ट पर कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया इस आदमी ने, जिसका नाम है जमोरिन। जमोरिन वॉज द किंग ऑफ कालीकट, जिसने वास्को डी गामा को बहुत ही इज्जत के साथ में रिसीव किया। नाउ केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। केरला की लैंग्वेज है मलयालम, और केरला का क्लासिकल डांस है कथकली, यानी किसी कहानी को डांस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। अब सवाल ये उठता है कि वास्को डी गामा इस रास्ते, इतना लंबा रास्ता उसने क्यों चुना, इसके बदले वो इस रास्ते से, जो कि मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद ये रहा रेड सी, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, इनको पार करते हुए इंडिया पहुंच सकता था। तो उसकी मेन वजह है कि इन जगहों पर, जो अरब का जो पेनिनसुला है, इस जगह पर उस टाइम पर मुस्लिम रूल था, शायद आज भी है, शायद क्या है ही। मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के बीच में बहुत लंबे टाइम तक उनकी हॉली सिटी जेरूसलम या येरूसलम पे कब्जे को लेकर लड़ाई होती रही, जिसको बोलते हैं क्रुसेड्स या धर्म युद्ध। आज जेरूसलम जो है वो इजराइल का पार्ट है। इजराइल की कैपिटल वैसे तो तेल अवीव है, लेकिन इजराइल जेरूसलम को अपनी कैपिटल मानता है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल के तौर पे मान्यता नहीं देते, इसीलिए वास्को डी गामा ने वो रास्ता नहीं चुना। तो इस तरह भारत का रास्ता ढूंढने वाला पहला यूरोपियन बना वास्को डी गामा। वो एक पोर्चुगीज था, इसीलिए भारत में आने वाली पहली विदेशी शक्ति थी पोर्चुगीज। उसके बाद में तीन और पावर आई, ब्रिटिश, फ्रेंच और डच। अब स्क्रीन को पॉज करके ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन कालीकट इंडिया वॉज ऑन, नेम द कंट्री वास्को डी गामा वॉज फ्रॉम, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल, हु रिसीव्ड वास्को डी गामा एट कालीकट, विच ओशियन लाइज बिटवीन अमेरिका एंड अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप is situated in which part of Africa, north, south, east or west? What was the early name of Madagascar? Strait of Gibraltar connects, a narrow passage of water connecting two large areas of water is called